हाय, वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो भी वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। और अगर हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री क्लास 11। क्या चल रहा है? पढ़ाई हो रही है? कुछ कमेंट्स आप लिख नहीं रहे, क्वेश्चन आप पूछ नहीं रहे। चलिए, क्या क्या लास्ट वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था, राइट। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और आज हम क्या करने वाले हैं, लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट बॉर्न एंड हेबर, फ्रिट्ज हेबर एंड मैक्स बॉर्न। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साइकिल दी, दैट्स कॉल्ड द बॉर्न हेबर साइकिल, जिसकी हेल्प से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा लैटिस एनर्जी को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, क्या लैटिस एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा किससे? फ्रॉम द गैसेस कैटायन गैसेस में। मतलब सपोज मेरे पास KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये सॉलिड होता है, अब किससे बनेगा? इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है? K पॉजिटिव मेटल कैटायन, ये गैस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और Cl नेगेटिव आयन, ये भी गैस स्टेट में होना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, क्या बनेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो क्या बनेगा? KCl बनेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स गैसेस कैटायन गैसेस है, यानी कि एक मोल आयनिक सॉलिड बनेगा अपने कैटायन और आयन से तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अब दो बातें, एनर्जी बाहर क्यों निकलेगी? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी इस आयनिक कंपाउंड की एनर्जी कम हो जाएगी और उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। क्योंकि बेटा देखो, दोबारा बोल रहा हूं, एनर्जी बाहर निकलेगी आयनिक सॉलिड की एनर्जी को कम कराएगी, और कम एनर्जी का मतलब वो स्टेबल रहेगा। उछल कूद कौन करता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये क्या दे? ज्यादा एनर्जी वाले आयन से। गैसेस कैटायन सिंगल है तो उसको क्या होगा? उसको अजीब सा फील होगा। क्यों? क्योंकि अजीब सा फील इसलिए हुआ, यार कैटायन है भाई, एनायन लाओ फटाफट, मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल कब होगा? जब आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब सवाल आता है कि कैलकुलेट कैसे करें? यहां तक आया बच्चों? अब सवाल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, कैसे कैलकुलेट करें भैया लैटिस एनर्जी। तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी के लिए ना बेटा आपको एक लॉ सीखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या? हेस लॉ। बहुत सिंपल सा लॉ है, ठीक है। पहले हेस लॉ पढ़ेंगे और फिर बॉन्ड, मैक्स बॉन्ड और फ्रिट्ज हेबर। मैक्स बॉन्ड, फ्रिट्ज हेबर, आपको याद है हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया की प्रोडक्शन, N2+CH2 gives you 2NH3, वो भी इन्होंने दी थी हेबर सर ने, ठीक है। तो हेस लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सपोज एक प्रोसेस है, उसको आप एक स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला? ए से बी बना रहा हूं, एक स्टेप में बना रहा हूं, जो भी एनर्जी चेंज हुई उसको बोला डेल्टा एच। ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव है ना। एनर्जी चेंज कितना हुआ उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, कुछ भी बोल लो, ठीक है, एनर्जी चेंज बोल लो। तो एक हैस लॉ क्या बोलता है कि अगर आप ए से बी बना रहे हो, एक स्टेप में बना रहे हो, उसकी टोटल एनर्जी को यहाँ पे लिख लो, कितनी भी चेंज होती है, 100 किलो जूल, 200 किलो जूल, बाहर भी निकल सकती है, अंदर भी आ सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसने बोला, हैस सर ने क्या बोला कि भैया एक स्टेप को, एक ही स्टेप में आप एक से बी बना रहे हो, या एक और तरीका है, पहले आप ए से सी बना और सी से डी बना,
और डी से फिर बी बना, क्या बना? ए से बी आप एक स्टेप में ला सकते हो, या आप पहले ए से सी बनाओ, सी से डी बनाओ, डी से बी बनाओ। अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो अब कितने स्टेप में बना बी, यहाँ पे कितने स्टेप में बना, एक स्टेप में, यहाँ पे कितने स्टेप में बना, तीन स्टेप में, ठीक है? तो तीनों स्टेप में अलग अलग एनर्जी चेंज होगी। सपोज यहाँ पे एनर्जी चेंज हुई डेल्टा एच, यहाँ पे एनर्जी चेंज हुई डेल्टा एच टू, यहाँ पे एनर्जी चेंज हुई डेल्टा एच थ्री। तो ये हैस लॉ क्या बोलता है, और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हुई वो है डेल्टा टोटल एच। एक स्टेप पे कितनी, डेल्टा टोटल एच, अलग अलग स्टेप पे कितनी, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। तो व्हाट इज हैस लॉ, वो बोलता है ये जो है कॉन्स्टेंट रहेगी, चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में करो चाहे आप अलग अलग स्टेप में करो। क्या बोला, टोटल एनर्जी चेंज या टोटल हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल डिफरेंट स्टेप्स। यानी कि हैस लॉ अगर मैं मान लूं तो मैं लिखूंगा डेल्टा टोटल एच शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। दिस इज हैस लॉ, ठीक है बच्चों? यहां तक आगे समझ में, तो हैस लॉ समझ में आ गया क्या, कि हीट चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेम रहेगी चाहे आप उस रिएक्शन को एक स्टेप में करो या अलग अलग स्टेप में करो। मेरे ख्याल से ये तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं बॉन्ड हेवर साइकिल, ठीक है ना? व्हाट इज बॉन्ड हेवर साइकिल? अब हमने बोला कि भैया देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ इजी है, मुश्किल नहीं है। हमने बोला कि सपोज हमें एक मोल NaCl बनाना है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सॉलिड है, क्या बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, एक मोल NaCl बनाना है, ठीक है? अब देखो ये बन गया एक मोल आयनिक सॉलिड, ठीक है? अब Na नेचर में कैसे मिलेगा, Na भैया सॉलिड होता है ना नेचर में, तो हमें भैया हम लैब में बनाएंगे एक मोल NaCl, तो हम मार्केट से Na उठा के लाएंगे तो Na क्या मिलेगा, सॉलिड। और Cl2 किस फॉर्म में मिलेगी, Cl2 गैस नेचर में किस फॉर्म में मिलती है, गैस की फॉर्म में, ठीक है? अब यहाँ पे कितने Cl है, एक, यहाँ पे कितने Cl है, दो, तो मुझे हाफ मोल लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हाफ मोल, ठीक है जी? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, अगर मुझे एक मोल NaCl बनाना है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एक मोल सॉलिड लिया Na इस फॉर्म में नेचर में होगा, ये हाफ मोल गैस की और इससे बनेगा NaCl। अब यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगी उसको लिखेंगे डेल्टा टोटल एच। और याद रखना बेटा देखो, अब ये कंपाउंड्स, एक चीज में पहले क्लियर कर देता हूँ, ये कंपाउंड स्टेबल कब बनेगा, जितनी ज्यादा डेल्टा टोटल एच नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब हीट बाहर निकलेगी। तो डेल्टा एच टोटल एच क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, जितना ज्यादा ये नेगेटिव उतना ज्यादा ये स्टेबल, जितना ज्यादा ये नेगेटिव जितनी हीट बाहर निकलेगी उतनी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो था एक स्टेप, अभी जैसे हैस लॉ में पढ़ा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द ओवरऑल स्टेप, कि भैया एक मोल Na है सॉलिड है, ठीक है? फिर हाफ मोल क्लोरीन गैस Cl2 गैस है, उससे हमारा एक मोल NaCl बनेगा, जो भी एनर्जी चेंज होगी उसको बोलेंगे डेल्टा टोटल एच, ठीक है? अब देखो Na सॉलिड से डायरेक्ट एक बनता है, आपको पता है कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ध्यान देना प्लीज, एक मोल Na पॉजिटिव गैस होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा, और एक मोल Cl नेगेटिव गैस होना चाहिए, तब जाके ये आपस में कंबाइन होता है और ये बनता है, और यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होती है डेल्टा एच उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, है ना? ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं कि भैया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, तो एक मोल Na पॉजिटिव गैसेस कैटायन, एक मोल Cl नेगेटिव गैसेस एनायन, और ये आपस में कंबाइन होंगे, एक मोल NaCl बनाएंगे, जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी लैटिस एनर्जी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो अब हमें क्या देखना है कि इससे ये कैसे बनेगा और इससे ये कैसे बनेगा, समझ में आया? इससे ये कैसे बनेगा, भाई आखिरी स्टेप तो ये होगा, ठीक? अब ये तो पढ़ लिया ना आपने, अभी पढ़ा थोड़ी देर, अब इससे ये बनाना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन लूज जो होता है वो गैस स्टेट में होता है, तो पहले Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और यहां पे लगेगी डेल्टा एच वन, डेल्टा एच वन लगेगी, यानी कि डेल्टा एच वन होगी पॉजिटिव, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी बोल लो या एनर्जी बोल लो, सब्लिमेशन पता है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड उसको मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस दैट इज वेपोराइजेशन,
सॉलिड से डायरेक्ट गैस दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एनए सॉलिड से एनए गैस बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन लूज कराना है और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता, वो गैसेस स्टेट में होता है। समझ? अब एनए क्या करेगा गैस, इसको और एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच वन क्या होगी, देनी पड़ेगी, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। अब एनए सॉलिड को इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक है, और एनए पॉजिटिव गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी एनर्जी लगेगी डेल्टा एच टू, और डेल्टा एच टू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच टू क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पता है ना आपको, एक मोल गैस, एक मोल एटम गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, लगती है मतलब पॉजिटिव, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां तक समझ आया? तो भैया दो एनर्जी तो यहाँ पे चेंज होगी। ठीक, अब सी एल टू गैस है, हमें सी एल नेगेटिव बनाना है तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा डेल्टा एच थ्री, और ये भी क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, क्यों होगी पॉजिटिव, भाई सी एल है इसको तोड़ना पड़ेगा, सी एल गैस बनेगा, अब ये हाफ मोल है तो इसको बोलेंगे हाफ डेल्टा एच थ्री, हाफ लिख दो बेटा इसको, हाफ डेल्टा एच थ्री, हाफ क्यों, क्योंकि हाफ मोल है, एक मोल होता तो वह सीधा लिखते डेल्टा एच थ्री, पर कितना है, हाफ मोल है, उसके डेल्टा एच थ्री पॉजिटिव। समझ में आया बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, बातें बाकी ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक मोल सीएल गैस बन जाएगा, तो तीन स्टेप हो गए, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सीएल जो है वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और सीएल नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगी डेल्टा एच को, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच थ्री को, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ भी बोलो, समझ में आया। अब डेल्टा एच फोर क्या होगा, डेल्टा एच फोर नेगेटिव होगा, क्यों होगा, आपको पता है जब कोई गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन खाता है और गैसेस एनायन बनाता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, और उसको इस डेल्टा एच फोर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या हुआ, एनए से एनए पॉजिटिव बन गया, सीएल से सीएल नेगेटिव बन गया, अब ये दोनों गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन आपस में कंबाइन होंगे और NaCl बनाएंगे, और यहाँ पे डेल्टा H5 लिख रहा हूँ मैं, अब डेल्टा H5, और ये नेगेटिव होगी, और डेल्टा H5 को क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब देखो अभी क्या सिखाया था हैस लॉ में कि टोटल एनर्जी कितनी है, एक स्टेप में अगर आप शो करोगे तो इतनी एनर्जी चेंज होगी, और अगर अलग अलग स्टेप में होंगे तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी, और हैस लॉ क्या बोलता है, इन सबका टोटल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें हैस लॉ लगा दूँ, अप्लाइंग हैस लॉ, वो क्या बोलता है कि टोटल एंथैल्पी चेंज, टोटल एच इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच वन, ठीक है, प्लस ये क्या है, पॉजिटिव होगी, ठीक है, डेल्टा एच टू, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, फिर क्या, प्लस हाफ डेल्टा एच थ्री, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी पॉजिटिव होगी, फिर क्या, डेल्टा एच फोर, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, और क्या, डेल्टा एच फाइव, ये क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगी, और उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी, क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। कदा यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, गुड, अच्छी बात है, समझ में आया। तो अब हमें क्या पता, अगर हमें ये पता हो, 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 तो हमारी ये निकल जाएगी, है ना बेटा, अगर हमें ये चीजें पता हो, टोटल एंथैल्पी चेंज कितनी हुई सेक्शन की ये पता हो, और ये चार्ट एनर्जी पता हो, तो हम आराम से ये निकाल सकते हैं, हाँ या ना, निकाल सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, समझ में आया। तो ये है बॉन्ड नेबर साइकिल, इसको बोलते हैं बॉन्ड नेबर साइकिल, और इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं लैटिस एंथैल्पी, क्या कैलकुलेट करते हैं, लैटिस एंथैल्पी, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये हमने सबसे सिंपल कंपाउंड लिया, दैट इज NaCl, ठीक है मेरे बच्चों। अब
क्वेश्चन में देता हूं, यहां तक आ गया, गुड। अब देखो उसने बोला, क्वेश्चन दिया मुझे, ड्रॉ द बॉर्न-हेवर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। तो लंबा हो गया Al2O3, है ना। अब इसके लिए बॉर्न-हेवर साइकिल बना ली, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या लेंगे, Al कितने, इसका एक मोल है ना, एक मोल के लिए कितने Al चाहिए, दो, ठीक है, और क्या चाहिए, ये 3/2 O2, ठीक है, और क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा सॉलिड स्टेट में, जो भी एनर्जी चेंज होगी उसको लिखेंगे डेल्टा टोटल एनर्जी, समझ आ गया, है ना। हमने क्या बोला था, एक मोल कंपाउंड बनाना है, एक मोल, तो एक मोल Al2O3 में एल्यूमिनियम कितने है, दो, ऑक्सीजन के एटम कितने, थ्री, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, O2 की फॉर्म में, तो 2 और 2 कैंसिल, अभी बचेगा 3, समझ आ गया। तो ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना है, डेल्टा टोटल एनर्जी। अब ये किसका सम होगा, ये 5 तरह की एनर्जी का चेंज सम होगा, लास्ट में क्या हमारे पास क्या आएगा, Al3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, Al3 पॉजिटिव, यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन से प्लस 3, कितने एल्यूमिनियम होंगे, 2, ठीक है, प्लस क्या होगा, 3 O2 नेगेटिव है ना, ठीक है, और ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगी डेल्टा H5, इसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, और डेल्टा H5 क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आया, ठीक है। अब इससे हमें ये बनाना, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, तो पहले इसका क्या होगा, 2 Al गैस बनेगा, ठीक है, तो 2 ΔH1, यहाँ पे 2 मोल ΔH1 लेनी पड़ेगी, और ये क्या होगी, पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, आपको पता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर ये गैस स्टेट में 2 मोल है तो 2 ΔH2, और ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2 मोल्स के, क्योंकि 2 मोल, 1 मोल Al2O3 को बनाने के लिए 2 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। अभी किस स्टेट में होगा, गैस स्टेट में, ये भी किस स्टेट में होगा, गैस स्टेट में, यही बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो 3/2 मोल्स चाहिए किसके लिए, ΔH3 के लिए, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, तभी क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम के गैस बनेंगे, ठीक है, हाँ यार। अब मुझे बताओ, यहां से यहां जब जाएंगे ΔH4, ठीक है, कितनी लगेगी, जल्दी बताओ, जल्दी सोच के बताओ, 2 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी बताओ, कितनी बार लिखूंगा ΔH3 को, ΔH4 के कितने मोल्स, जल्दी बताओ, ये आपके लिए है क्वेश्चन, बोलो बोलो कितनी बार होगी, एक ऑक्सीजन आइटम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, तो 3 ऑक्सीजन आइटम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6, तो कितना होगा, 6 × ΔH4, और ये क्या होगी, अब हमें नहीं पता, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, 6 × ΔH4, और यहाँ पे क्या, लैटिस एनर्जी, समझ आ गया। तो टोटल डेल्टा, टोटल कितना हो गया, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, 3 × ΔH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE ΔH1 प्लस ΔEGEH2, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक एटम, एक ऑक्सीजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन खाएगा O नेगेटिव बन जाएगा, फिर O नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन खाएगा O2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगी, ΔH1 होगी, और ये क्या होगी, ΔH2 होगी, ये होगी पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
और जो कि दूसरी इलेक्ट्रॉन की तरफ भी, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं तो दो बार लिखनी पड़ेगी, समझ में रीड यहाँ तक आ गया। बस अब हमें क्या करना है, तो हमें लिखना है डेल्टा टोटल एच, इन सबको ऐड कर दो, एप्सिलॉन का समझ में आ रहा है, इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, टू डेल्टा एच वन प्लस यहाँ पे क्या आएगा टू डेल्टा एच टू, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा थ्री बाई टू डेल्टा एच थ्री, प्लस यहाँ पे क्या आएगा थ्री इंटू डेल्टा ई जी ई ई जी एच वन प्लस डेल्टा ई जी ई एच टू, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ लिख रहा हूँ प्लस डेल्टा एच फाइव, चलो थोड़ा नीचे लिखता हूँ प्लस डेल्टा एच फाइव, ठीक है। और ये कौन सी एनर्जी है, ये है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी एल ही लिख दिया। तो अगर हमें ये निकालनी है तो इसमें से हमें ये करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा डेल्टा एच फाइव यानी कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना डेल्टा टोटल नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा ये कंपाउंड स्टेबल होगा। तो समझ में आया, दिस इज बॉन्ड एबल साइकिल, और किस पे कौन सी लॉ पे काम करती है, ये करती है हेस लॉ के ऊपर काम, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी, किसी भी सॉरी आयनिक सॉलिड का अगर लैटिस एनर्जी आपको निकालना है तो कौन सी साइकिल पे, कौन सी साइकिल से निकलेगा, बॉन्ड एबल साइकिल, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो आज आपने क्या सीख लिया, आज आपने बॉन्ड हेबर साइकिल सीख लिया और उसकी हेल्प से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। तो होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम कोवलिंग, इसके बाद वाले वीडियो में हम कोवलिंग कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, पूछते रहिए और समझते रहिए, ठीक है।